बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद अली एंड आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। आज की इस नई वीडियो में हम विज़िट करेंगे इस ब्रांड न्यू 7 मरला हाउस का। ये फुल एक ब्रांड न्यू हाउस है, 7 मरला का फुल डबल स्टोरी डबल यूनिट हाउस है। दोनों पोर्शन की जो एक्सेस है बिल्कुल अलग रखी गई है, सेपरेट रखी गई है। आप चाहें तो एक पोर्शन में ख़ुद भी रह सकते हैं और आप एक पोर्शन को ईज़िली रेंट आउट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये घर बेसिकली सिंपल हाउस बना हुआ है। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कि आपको सिंपल हाउस लेकर आएँ। घर बिल्कुल सिंपल है बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा लोकेलिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत पीसफुल और सिक्योर लोकेशन पे घर अवेलेबल है। मेन रोड से बहुत ईजी एक्सेस पे है और घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर पार्क भी अवेलेबल है। तो ये आप देख रहे हैं, अभी हम देख व्यू कर रहे हैं। इसका फ्रंट एलिवेशन कम्प्लीट रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है और वीडियो आपने कम्प्लीट देखनी है। एंड इसकी जो प्रॉपर्टी आईडी है वो मैंने मेंशन कर दी डिस्क्रिप्शन में, आपने मुझे कांटेक्ट करके आईडी लाजमी इन्फॉर्म करनी है। सो अब चलते हैं, इसका विज़िट कंटिन्यू करते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसका गेट का डिज़ाइन है, फुल मटेरियल गेट है और फुल हैवी गेट है इसका। ये गेट हमारे पास कम्प्लीटली स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ अवेलेबल है और राइट साइड पर हमारे पास इसका ओपनेबल डोर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कार रैंप अवेलेबल है और फर्दर नेक्स्ट मूव प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, 3 फेज मीटर है और बाकी ग्रीन एरिया फुल डेवलप्ड है, फुल रेडी है। गैस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सबमिटेड है। घर के अंदर मूव करेंगे तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हमारे पास आ जाता है हमारा कार पोर्च, और कार पोर्च काफ़ी सुपर तरीके से डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी डिसेंट तरीके से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे हमारे पास स्पेस छोड़ी गई है फॉर वेंटिलेशन पर्पज़, और ये हमारी मेन एंट्रेंस है और ये हमारी एंट्रेंस है ड्राइंग रूम की। बाकी हमारे पास यहाँ पर जितने भी इंटरनल वॉल्स हैं इन पर भी रॉक वॉल का इस्तेमाल हुआ है, और अगर हम बात करते हैं फ्लोरिंग की तो कम्प्लीट टाइल फ्लोरिंग है हमारे पास। कार पार्किंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो कोई भी एक बड़ी गाड़ी इजीली आ जाएगी। अगर आप दो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो दो छोटी गाड़ियाँ आ जाएंगी बट थोड़ी सी टाइट कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है इसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक, पानी की मोटर भी फिक्स्ड है। बाकी घर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, छोटी मोटी टचिंग छोटी मोटी फिनिशिंग इसकी रिमेनिंग है। ये मेन डोर है डबल डोर और ये एंट्रेंस डोर है ड्राइंग रूम का। तो हम घर के अंदर एंटर होंगे मेन एंट्रेंस के थ्रू, और आप सबको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड अगेन मेंशन करता चलूँ कि घर बिल्कुल सिंपल बना हुआ है। तो ये है जी एंट्रेंस लॉबी, ये आप देख लें, एक्सेस मिल रही है फर्स्ट फ्लोर की तरफ, टाइल फ्लोरिंग है और यहाँ से एक्सेस मिल रही है मेन फ्लोर की। अगर आप इसको पोर्शन वाइज रेंट आउट करना चाहेंगे तो आपने पार्टीशनिंग करनी है। फर्स्ट लिविंग एरिया यानी कि फर्स्ट टीवी लाउंज, और जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि घर बिल्कुल सिंपल है। इस घर की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कि आपके चैनल पे काफ़ी फैंसी हाउसेज होते हैं, काफ़ी डिज़ाइनिंग वाले हाउसेज होते हैं, तो कुछ ऐसा घर लेकर आएँ जो बिल्कुल सिंपल हो, क्वालिटी वाइज अच्छा हो, लोकेशन अच्छी हो और घर सिंपल हो। तो दिस हाउस इज़ वन ऑफ देम। ये बिल्कुल सिंपल हाउस है, कहीं पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं हुई हुई, कहीं पर कोई वॉल पेपर कोई फैंसी डिज़ाइनिंग नहीं की गई, सिंपल पेंट का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, अगर आप घर को घर पसंद आता है, घर का मैप आपको क्लिक होता है तो आप घर को परचेज करके मज़ीद डेकोरेशन अपने लिहाज से कर सकते हैं। अब आप देख लें कि ड्राइंग रूम के साथ पार्टीशनिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, और ये आगे जी हमारा ड्राइंग रूम, ये एंट्रेंस है हमारी कार पोर्च के साथ। तो प्लेन पेंट इस्तेमाल हुआ है ऑफ वाइट, और सीलिंग की तरफ अगर हम आते हैं तो सिंपल वाइट पेंट है। SK कंपनी के डबल सीलिंग फैंस हैं और ये फैंसी टाइलिंग है। बाकी आप देख लें ग्लास पॉइंट भी दिया गया है, स्कॉटिंग मैचिंग में आ रही है। आपका जो LED पॉइंट है वो इस साइड पे है, और अगर हम बात करते हैं मैप की तो ये 2+2 का यूनिट है, विच मीन्स 2 बेडरूम्स हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे हैं और 2 बेडरूम्स हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे हैं जी। तो फर्स्ट किचन आ गया हमारे पास, फर्स्ट किचन है, किचन का साइज़ रीजनेबल है बट क्लोज किचन है, और ब्लैक एंड वाइट कलर की कम्बिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल हुई हुई है। ये आप देख लें, इस तरफ हमारा डिश वॉशिंग एरिया है और इस तरफ हमारा डिश वॉशिंग एरिया है, और ये है हमारा कुकिंग एरिया। बाकी ये वेंटिलेशन विंडो है और फ्रिज के लिए पॉइंट्स यहाँ रखे गए हैं। क्लोज किचन है, आप क्लियरली देख सकते हैं। हाँ, ये बात है कि जो हमारा लाउंज है वो काफ़ी अच्छे साइज़ का है, लिविंग एरिया जैसे हम कहते हैं। और ये आगे जी हमारा फर्स्ट बेडरूम, ये भी एक रीजनेबल साइज़ का बेडरूम है, सिंपल पेंट अगेन इस्तेमाल हुआ है। हो सकता है कि आपकी आज की जो वीडियो है थोड़ी सी शॉर्ट हो बिकॉज सिंपल हाउस है, तो क्विकली इसको कवर कर लेते हैं। गैस पॉइंट, और ये जी इसका वॉशरूम। हाँ जी, वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है, पार्टीशनिंग ऑप्शन अवेलेबल है, कैसा कंपनी की वारंटी है। बाकी ये एंट्रेंस डोर के बैक साइड पे हमारे पास इसकी वार्डरोब्स हैं फुली हाइटेड, तो ये एक अच्छी बात अभी तक हमने देखी है कि ये जो वॉशरूम है वो काफ़ी अच्छे साइज़ का है, मास्टर साइज़ वॉशरूम आप इसको कह सकते हैं जी। तो वंस अगेन आप इसको रिव्यू कर लें,
एक्चुअली आप सबको हर एंगल से व्यू करवाने का पर्पज़ ये होता है कि हाउस मैप और हाउस प्लान के बारे में तफसीलात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सेकेंड रूम आ गया व्यूअर्स, और ये भी एक रीजनेबल साइज़ का बेडरूम है और सिंपल पेंट वंस अगेन क्लियरली आपको मैंशन करता चलूँ, ऑफ वाइट पेंट है। और सामने हमारे पास आ गई है जी हमारा वार्डरोब फुली हाइटेड। कॉर्नर की तरफ आते हैं तो वॉशरूम, ये भी एक नॉर्मल साइज़ का वॉशरूम है। तो आप सबको बताता चलूँ कि हमने ग्राउंड फ्लोर का विज़िट कंप्लीट कर लिया है। टू बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, किचन, टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ, एक्सेस हमें यहाँ से मिल रही है। सो लाइक आई सेड के 2+2 का यूनिट है ये। टोटली इस घर में 4 बेडरूम्स हैं, मेनली 5 बेडरूम हाउसेज होते हैं मैक्सिमम, जो जितने भी हमने देखे हैं ये 4 बेडरूम हैं। तो ये एंट्रेंस है फर्स्ट फ्लोर की और यहाँ से एक्सेस मिल रही है छत की तरफ। सेकेंड टीवी लाउंज आ गया जी। अब आप देख लें कि कितना स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा इसका व्यू है। यहाँ पे ये है कि टेरेस की ये स्पेस है, धूप आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आ रही है। सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बट गर्मियों के लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, फेस करनी पड़े। अदरवाइज़ आप इसको कवर कर सकते हैं शीट लगा के, धूप अंदर नहीं आएगी। बट ये कि अगर आप इसकी लाउंज की सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं तो रोशनी काफ़ी अच्छी होगी। किचन हमारा इस साइड पे है, अगेन वही थीम है, बट किचन इज़ माशाल्लाह अच्छे साइज़ किचन है हमारा, मास्टर साइज किचन है, थीम वही है ब्लैक एंड वाइट कलर, वेंटिलेशन विंडो, कुकिंग एरिया हमारा इस साइड पे है। फ्लोरिंग सेम उसी पैटर्न में है, सेम उसी डिज़ाइनिंग में टाइलिंग हुई भी है। और ये आप देख लें तो क्विकली इसको भी कवर कर लेते हैं। ये अपर पोर्शन का फर्स्ट बेडरूम, नॉर्मल साइज़ का बेडरूम है, क्लियरली आप देख लें। कॉर्नर में गैस पॉइंट है, एसी पॉइंट भी दिए गए हैं जो कि बेसिक नीड्स हैं। और अगेन वही पॉइंट आ गया जैसा अभी हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा है कि मास्टर साइज वॉशरूम है और पार्टीशनिंग ऑप्शन अवेलेबल है। टाइलिंग पैटर्न फुल ऊपर तक अटैच्ड है और वॉशरूम के डोर की बैक साइड पे हमारे पास वार्डरोब्स हैं फुली हाइटेड। तो इस बेडरूम से आप इसको व्यू कर लें। एंड सेकेंड बेडरूम, अब ये एक अच्छे साइज के बेडरूम है, बट सेम वही बात है कि सिंप्लिसिटी को ज़्यादा प्रेफर किया गया है। और ये आ गया जी वार्डरोब्स हमारी आ गई एंड अटैच वॉशरूम जी। तो इसी के साथ साथ हमने 7 मरला के सिंपल हाउस के दोनों पोर्शंस का विज़िट कंप्लीट कर लिया है। फुल 4 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन है, डबल टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम है। छप्पे नॉर्मली हमारे पास हर घर में सर्वेंट क्वार्टर होता है अटैच बाथरूम के साथ, वो देख लेते हैं फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ये है जी छत की एंट्रेंस। हम आ चुके हैं छत पे, यानी कि रूफ टॉप पे। कम्प्लीटली हमारे पास यहाँ पे चिप्स की फ्लोरिंग है, पानी की टंकी आप देख सकते हैं और सर्वेंट क्वार्टर, इसकी सफाई रिमेनिंग है। अटैच बाथ, सफाई सिर्फ रिमेनिंग है। तो विज़िट हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम मूव बैक करेंगे दोबारा से ग्राउंड पोर्शन की तरफ और आपके साथ में तमाम तर तफसीलात एक मरतबा फिर से शेयर कर देता हूँ जी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमने इस ब्रांड न्यू 7 मरला डबल स्टोरी हाउस का विज़िट कंप्लीट कर लिया है। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से कि ब्रांड न्यू हाउस है, 7 मरला का फुल डबल स्टोरी डबल यूनिट हाउस है। दोनों पोर्शन की एंट्रेंस बिल्कुल अलग रखी गई है, आप चाहें तो एक पोर्शन में खुद भी रह सकते हैं और आप एक पोर्शन को इजिली रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम अवेलेबल है। एंड अगर हम छत पे आते हैं तो छत पे वी हैव सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। इस घर की जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है, वो है 2,40,00,000 रुपीज़। 2,40,00,000 रुपये इसकी डिमांड की जा रही है, बट नेगोशिएबल डिमांड है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट करके घर के बारे में डील कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो विजिट हमारा कंप्लीट हो गया, नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।